बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहाँ उज्जैन में मंगलवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के बाबू को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज में कार्यरत वार्ड बॉय की मौत के बाद मिलने वाले ग्रेच्युटी सहित अनुग्रह की राशि मिलनी थी, जिसके एवज में 5,000 रिश्वत की मांग की गई थी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये वार्ड बॉय थे आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में, तो इनका जो अनुग्रह अनुदान राशि जो मृत्यु के तुरंत बाद दी जाती है 50,000 रुपये, उसको स्वीकृत करने के लिए जो वहाँ के बाबू थे ब्रजेश धाकड़, उनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर सत्यापन पर कार्रवाई एलिगेशन सही पाए जाने पर आज एक ट्रैप का कार्य प्लान किया गया और आज खाक चौक पर ब्रजेश धाकड़ सहायक ग्रेड 3 को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।